नमस्ते, मैं राहुल कुमार वैदिक सुप्रभात का एक सक्रिय सदस्य हूँ। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे मन में एक प्रश्न है और हम इस प्रश्न का जानकारी लेना चाहते हैं उत्तम प्रकाश जी से, जो कि वैदिक सुप्रभात के एक अध्यक्ष हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आज हमारा प्रश्न आपसे ये है कि 2019 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे और हाल ही में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि में जो पूजा करने गए थे, भूमि पूजन हुआ था, तो चूंकि ये हिंदू धर्म के हैं, राम जन्मभूमि में गए थे पूजा करने, और हमारा देश जो है ये धर्म निरपेक्ष देश है, तो अगर भविष्य में जो है दूसरा समुदाय का कोई पूजा होता है या भूमि पूजन होता है, जैसे मस्जिद का हो गया, गुरुद्वारा का हो गया, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां पे जाना चाहिए पूजन करने या नहीं? देखिए, व्यक्ति किसी सामान्य है, आपका एक अपना धर्म है या कुछ अपना ऐसा मानते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी पद पर चले गए, ऐसा तो कोई शर्त है नहीं कि धर्म छोड़ने के बाद ऊपर आपको मिलेगा। हाँ जी, भारत में ऐसा कोई कानून है? अच्छा, आप ऐसा इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या ये कुछ आपको पद मिल रहा है, आपको मिला तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं। ऐसा है जी, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, अब रही बात कि दूसरे जगह जाएंगे वो पूजन ऐसा कुछ करेंगे नहीं करेंगे, तो मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं या आपका अपना कोई धर्म है, इस तरह से कुछ करते हैं, ठीक है ना, वहां जाना नहीं जाना, ठीक है ना, ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत या किसी का भी व्यक्तिगत मत है कि वहां जाए कि नहीं जाए, ठीक है ना। हाँ, आप किसी पद पर हैं तब आपको बुलाया जा रहा है पद के तौर पर, तो आप जाएंगे तो जरूर, लेकिन पूजा में बैठना नहीं बैठना ये आपका व्यक्तिगत मत है कि नहीं। मान लीजिए किसी एरिया के एसपी हैं, उस पूरे एरिया में कोई कार्यक्रम हुआ, आपको बुलाया गया तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा वो भी तब आप जाइएगा जब राष्ट्र हित में वो काम हो रहा हो, प्रकृति के हित में वो काम हो रहा हो। अगर वो ऐसा काम हो, ठीक है ना, जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो फिर तो आ नहीं जाइएगा आप, और करने भी नहीं दीजिएगा। दूसरी बात, करने भी नहीं दीजिएगा, जाइएगा भी नहीं। अच्छा, अब मान लीजिए कि राष्ट्र से कोई, अगर उससे कोई राष्ट्र का अहित नहीं हो रहा है, आप फिर भी वहां बुलाया जा रहा है, अब गए वहां, ठीक है ना, आप गए तो पूजा में नहीं बैठना तो आपका व्यक्तिगत मत है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं उनका अपना एक व्यक्तिगत मत है, क्योंकि प्रधानमंत्री होने से पहले वो कुछ थे, ठीक है ना, तो ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, ये सवाल कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है कि धर्म सर्वोपरि है, ये सवाल है। कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में ऐसी चीजें होती हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, तो जिसके मन में ये बात है ना कि राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि नहीं है, तो वो उस पद पर या उस जगह पर जाकर के वो है ना धर्म का त्याग करने का नाटक करता है या त्याग कर देता है, ठीक है ना, और वो अपने आप को शो करता है कि देखो जी हम तो धर्म निरपेक्ष वाले हैं, हम ऐसा भी कर लेंगे, हम ये भी कहेंगे ठीक है, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म से ज्यादा राष्ट्र को महत्व देते हैं। हाँ, धर्म से ज्यादा जो है किसको महत्व देते हैं, राष्ट्र को महत्व देते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, धर्म ज्यादा सर्वोपरि है, धर्म बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है? धर्म बड़ा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप लोग? माने जब राष्ट्र और धर्म की बात होगी तो उसमें किसका पक्ष लेंगे आप, राष्ट्र का पक्ष लेंगे कि धर्म का पक्ष लेंगे? तो हम अपना धर्म का पक्ष लेंगे। उसके बाद राष्ट्र का पक्ष लेंगे। अच्छा, हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनके प्रति आप क्या भावना रखते हैं? उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था कि धर्म सर्वोपरि था? ठीक है, मान लीजिए उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने अपना इस धर्म छोड़ दिया। हाँ, नहीं छोड़ा, धर्म का पालन करते रहे, धर्म का अपना पालन भी करते रहे, धर्म के अनुसार चले, ठीक है, राष्ट्र के नियम का पालन भी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ
ये वास्तव में विचारणीय विषय है कि राष्ट्र सर्वोपरि है कि धर्म सर्वोपरि। अब इसको समझे आप, देखिए आप अभी भारत में हैं, तो भारत में हैं, आपका उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, तो भारत सरकार ने आपको नागरिकता दे रखा है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जितनी चीजें हैं वो बन रही हैं, ठीक है जी विजय जी। अगर माने जो मौलिक अधिकार है ये भी सब कुछ आपको प्राप्त है भारत सरकार की ओर से, अगर आप इस देश को छोड़ के कहीं चले गए, दूसरे देश में कहीं चले गए, तो वहां धर्म बदल गया आपका, राष्ट्र बदलेगा, धर्म तो वही ना रहेगा, धर्म बदलेगा वही रहेगा, धर्म वही है, राष्ट्र बदल गया। अच्छा राष्ट्र क्यों बदल गया, दूसरे राष्ट्र में चले गया नहीं, इसका मतलब ये है ना कि राष्ट्र भौतिक है, उस देश का उस जगह प्रेजेंटेशन वहां का, राष्ट्र भौतिक चीज है, धर्म भौतिक नहीं है, धर्म का संबंध आपके आत्मा से है और राष्ट्र का संबंध आपके शरीर से है, समझे बात मेरा, धर्म का संबंध किससे है, आपके आत्मा से है, आप पद किसके लिए है, आत्मा पद किसको मिलता है, शरीर को मिलता है, हाँ जी ठीक है, मेरी बात समझ रहे, देखिए राष्ट्र परिवर्तित होता है, राष्ट्र की एक सीमा है, राष्ट्र के कुछ कानून है, कुछ नियम है, लेकिन धर्म है ना, धर्म परिवर्तित नहीं होता है। आप यहां से अगर जर्मनी चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, यूएसए चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, दुनिया किसी भी देश में जाएंगे, अगर आप हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, तो वहां भी मानेंगे आप, वहां भी पालन करेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा आपका राष्ट्र बदल जाएगा, हो सकता है कि आप वहां की नागरिकता ले लें, वहां के नागरिक हो जाएं आप, और वहां के नागरिक होने के बाद वहां की सारी सुविधाएं भी आपको मिलने लगे, लेकिन धर्म तो आपका नहीं बदला, ठीक है ना जी, धर्म नहीं बदलेगा ना। अब रही बात कि फिर राष्ट्र है क्या, अधर्म है क्या, धर्म क्या है और राष्ट्र क्या है। देखिए राष्ट्र जो है ना एक सीमा है, एक कोई देश है, देश की अपनी सीमा है, ठीक है, अब सुनिए सुनिए सुनिए, मोबाइल को रखिए सुनिए पहले, एक सीमा है ठीक है ना, एक एरिया है, उसकी एक सीमा बनी हुई है, उस सीमा में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी संसाधन हैं, जितने भी पशु पक्षी जो भी हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, वहां की जो सभ्यता संस्कृति ये सब कुछ है, ये सब कुछ को मिला करके ना राष्ट्र बनता है, ठीक है। लेकिन वहां का जो धर्म है ना, जिस धर्म में वो राष्ट्र विकसित हुआ है, वो धर्म उस राष्ट्र की आत्मा है, उस राष्ट्र की आत्मा। मैं उत्तम प्रकाश हूं, ठीक है ना, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, मेरा ये व्यवसाय है, ये सारी चीज चल रही है इसका, और लेकिन उस सभी कामों के अंदर जो शक्ति ऊर्जा, जो ऊर्जा का जो निर्वहन हो रहा है, ठीक है ना, वो आत्मा से संबंध रखता है। अगर इस शरीर से आत्मा निकाल लेंगे तो इस शरीर का औचित्य क्या रह जाएगा। अच्छा बताइए, आप युद्ध करते हैं या आप किसी तरह की कोई चीज करते हैं तो आत्मसम्मान के लिए करते हैं ना जी, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान के लिए। उसमें अगर शरीर की कुछ हानि भी हो जाए तो आप उसका ध्यान नहीं रखते, आप आत्मरक्षा के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा को आप हटा दीजिए तो शरीर का तो अपना कोई सिद्धांत ही नहीं है, फिर शरीर का कोई सिद्धांत बचेगा, फिर आत्मा से ही सब कुछ है, आत्मा को आप साइड कर दिए तो फिर शरीर का क्या बचेगा, शरीर तो जड़ पदार्थ है, ठीक है ना। देश की सीमा क्या है, जड़ है, देश के सारे संसाधन क्या है, जड़ है, देश की सारी चीजें क्या है, जड़ है, लेकिन उसका संचालन, उसकी गतिविधि, संचालन के तरीके, सभ्यता संस्कृति की मूल अवधारणाएं, उसका संबंध किससे है, धर्म से है, ठीक है ना। धर्म को आप निकाल दीजिए तो कुछ भी नहीं बचता, केवल पदार्थ बचता है, पदार्थ के अंदर और आपसे पदार्थ के बीच जो संवेदना है वो खत्म हो जाता है ना। तुलसी है लेकिन हम जी कहते हैं, कहते हैं ना जी, वहां दीपक जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन ये सब कुछ निकाल दीजिए तो एक सामान्य पौधा हो जाएगा वो,
और फिर उससे लाभ नहीं ले पाएंगे जो आप ले रहे हैं। शमी का पेड़ है, आप दीपक जलाते हैं, घर के पास में लगाते हैं, उसके पीछे विज्ञान भी छिपा हुआ है और वो आपके आस्था से भी संबंध रखता है। ये क्या है? ये धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा को आप यूं समझे कि किसी भी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को समझना, किसी भी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को समझना, दोनों जड़ चेतन दोनों। दुनिया में दो तरह के पदार्थ है ना जी, जड़ है और चेतन है। जड़ चेतन पदार्थों को समझना हूबहू उसी तरह से उसके वास्तविक स्वरूप को समझना और समझ के उसके साथ न्यायप्रद व्यवहार करना। क्या करना जी? न्यायप्रद व्यवहार करना, ये धर्म है। इसको कैसे त्याग सकते हैं आप? अच्छा, इसको हटा दीजिए आप तो पदार्थ को आप समझेंगे नहीं, वास्तविक स्वरूप को, और उसके साथ न्यायप्रद व्यवहार करेंगे नहीं। जैसा मन हुआ जैसे वैसे कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये लाभ है ये कर लो, लेकिन ये क्या कर रहा है? पदार्थ के न्यायप्रद व्यवहार करना, मतलब सामने वाला पदार्थ है ना जड़ है, तो हमको उसका यूज तो करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि दुरुपयोग उसका ना हो। सामने खड़ा जो व्यक्ति है वो चेतन है, ठीक है ना जी, तो उसको समझना है, समझने के बाद उसके साथ व्यवहार करना है, अपने स्वार्थ को ध्यान में रख के नहीं, उसके साथ अन्याय ना हो इसका ध्यान रखना है। धर्म क्या है? यही है। और ये राष्ट्र की आत्मा है, और यही आत्मा थी इस देश के पास, इन देश के लोगों के पास। परिणाम क्या हुआ? कभी भी इसने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। आप पूरा अतीत देख लीजिए तो भारत के साथ लोगों ने आक्रमण तो किया, लेकिन भारत किसी के साथ क्या हुआ जी? आक्रमण नहीं किया। ये राष्ट्र की आत्मा थी, है ना जी। हमने सबको शरण दिया, सब आकर के यहां शरण लिए, और सब आकर के यहां घुल मिल भी गए, हमने मिला भी लिया उनको अपने आप में, लेकिन हमने उनके साथ अन्याय, ये राष्ट्र की आत्मा थी, है ना जी। और आज नहीं, आप अतीत में चले जाए, लंका गए, वहां विजय प्राप्त किया, ठीक है ना, लेकिन फिर क्या कहा? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यसि, जननी आज जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, इसलिए हमको यहां नहीं रहना, हमको वापस चलना है। अयोध्या लौट गए, अब बताइए ऐसे व्यक्ति की पूजा में की जाए? धर्म की नीतियों का जो इतनी बारीकी से अध्ययन अध्यापन करता हो और ऐसी व्याख्या करता हो, वो चाहते तो रह जाते, चार भाई थे एक को वही बैठा देते, अजी लंका हो जाता अपना, सोने का था है कि नहीं, कोई दिक्कत था, लेकिन उन्होंने उपदेश दिया। और किसको बनाया राजा वहां का? विभीषण को बनाया। अभी विभीषण कौन था? वही के है ना, लंकेश के भाई थे, है ना जी, रावण के भाई थे, उन्हीं को बनाए, वापस यहां आए और यहां पर आकर के अपना राज्य को संगठित किया, स्थापित किया, या जो भी है ना जी। तो कभी भी देखिए, अगर आप ये समझ लें कि राष्ट्र बड़ा है, तो आपने है ना शरीर को बड़ा समझ लिया, इस शरीर में रहने वाले आत्मा का त्याग कर दिया आपने, ठीक है ना। तो फिर जानते हैं क्या कीजिएगा आप नाक के लिए काम कीजिएगा, आंख के लिए कीजिएगा, कान के लिए कीजिएगा, आप इन हाथों के लिए काम करना शुरू कर दीजिएगा, इन पैरों के लिए काम कीजिएगा, लेकिन इनके माध्यम से जो सूचनाएं अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, ये क्या है? ये ज्ञान इंद्रियों का केंद्र है ना जी, है ना। तो इनसे जो सूचना अंदर जा रही है, इसका ध्यान आपको नहीं रहेगा कि अच्छा जा रहा है कि बुरा जा रहा है। हमने पदार्थों को सही रूप देखा कि गलत रूप देखा, हमने चीजों को सही सुना कि गलत सुना, हमने गलत खाया कि सही खाया, आप भौतिकता में पड़ गए। और आज की संस्कृति का मूल क्या है जो चल रहा है? यही चल रहा है, भौतिकता है कि नहीं जी, जिसको ये बिल्कुल ध्यान नहीं है कि चीजें अंदर जा रही हैं तो ठीक है कि ठीक नहीं है, ठीक है ना। हम आत्मा को खो दिए, राष्ट्र की आत्मा का त्याग कर दिए, और हमने हमेशा समझा, ठीक है ना, कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, और ये उपदेश केवल हिंदुओं के लिए है, बाकी औरों के लिए नहीं है। बाकी औरों का देखिए जनसंख्या भी बढ़ रहा है, उनके देशों की संख्या भी बढ़ रही है, आप एक थे और वो भी खत्म हो गया, कुछ देर पहले नेपाल था ना हिंदू राष्ट्र, खत्म हो गया, भारत बचा है, ये धर्म निरपेक्ष के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। व्यक्ति को अपना धर्म कभी त्याग नहीं करना चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि धर्म क्या होता है।
अब कोई डाउट रहा आपके मन में? आप किसी भी पद पर चले जाएं, आपको अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, और राष्ट्र को भी, राष्ट्र के नागरिक को अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और शासक का ये दायित्व बनता है कि नागरिक को उसके अपने धर्म के प्रति जागरूक करे, उसके धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करे, उसको मार्ग दिखाए कि तुम्हारा धर्म है या ये राष्ट्र का धर्म है, इसका पालन करो तुम। अब पालन करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाए, अब उस चीज का ध्यान रखे, धर्म की जो परिभाषा मैं बोला हूं, जड़ चेतन पदार्थ को समझना, उसके वास्तविक स्वरूप को समझना, अन्यायप्रद व्यवहार करना। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए ऐसा, अच्छा इसको फिर बदल कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छा न्यायप्रद व्यवहार कीजिएगा तो आपके लिए भी लाभप्रद है, उसके लिए भी लाभप्रद है, सबके विकास की बात की है, सबके विकास की बात नहीं की है। यहां धर्म का मतलब यह नहीं है कि आपका कपड़ा ऐसा हो, धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा पद्धति ऐसा हो, धर्म का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इस परिभाषा के अंतर्गत लाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रकृति का आप दुरुपयोग कर नहीं सकते, आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ न्याय कीजिएगा, आप न्याय कीजिएगा ना जी, न्याय का मतलब अगर वो गलती किया है तो उसको दंड दीजिएगा, और दंड भी इस प्रकार से नहीं दीजिएगा कि उसको दुख हो, दंड इस प्रकार से दीजिए सुधर जाए, वो न्यायप्रद रहे, मतलब आप जितना गलती किए हैं और जितना से आपका सुधार हो जाए उतना हम आपको दंड देंगे, हम ऐसा दंड नहीं देंगे जो आपके अपराध से ज्यादा बड़ा हो, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, है ना जी? मतलब हम जब न्याय करेंगे ना तो मेरे मन में आपके प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, क्लेश नहीं है, हमने केवल इतना समझा कि एक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में आप विकसित हुए हैं, आपको समझ में नहीं आया, आपने गलती कर दिया, क्योंकि मैं शासक हूं तो धर्म है मेरा न्याय करना, जिसके साथ आपने गलती किया है जी उसको न्याय देना मेरा धर्म बनता है, इसलिए मैं न्यायप्रद आपके साथ कार्य करूंगा, यही धर्म है। तो मोदी जी का जाना वहां ठीक था, आज जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था, और भी जगह पर जाए, लेकिन अब उनको डिसाइड करना है कि ये पूजा पद्धति में मैं आता हूं कि नहीं आता हूं, और वो है कि नहीं आता हूं, अगर आता हूं तो करना चाहिए, और नहीं आता तो नहीं करना चाहिए। अब उस पूजा में वो पूजा न्यायप्रद है कि नहीं, वो उत्सव न्यायप्रद है कि नहीं, इसका विचार करना चाहिए, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पद मेरे धर्म को नहीं बदल सकता, ठीक है, पद मेरे धर्म को नहीं बदल सकता, और पद धर्म को बदलता है तो पद को त्याग देना चाहिए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखें।